हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी। इसके लिए भारत सरकार ने टेंडर जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस टेंडर को जीतने और भारत में पनडुब्बियां बनाने के लिए यूरोप की दो रक्षा विनिर्माण कंपनियां आमने सामने हैं। इन दो कंपनियों में एक जर्मनी की थिशन ग्रुप एजी ने मुंबई स्थित मंजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर बोली लगाई है। वहीं दूसरी बोली स्पेन की नवंतिया ने भारत की बहुराष्ट्रीय शिपयार्ड कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के साथ आवेदन किया है। अंग्रेजी वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले से अवगत एक सीनियर अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि भारतीय अधिकारी प्रतिस्पर्धी बोलियों की मूल्यांकन कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि इंडियन नेवी टेक्नोलॉजी के बेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रांसफर करने वाली कंपनी के साथ समझौता करेगी। टेंडर अनाउंस करते वक्त रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि टेंडर जीतने वाली कंपनी से उम्मीद है कि वो पनडुब्बियों को वायु स्वतंत्र प्राणोदान प्रदान करने के अलावा भारतीय शिपयार्डों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी ट्रांसफर भी करे। वायु स्वतंत्र प्राणोदान एक ऐसी तकनीक है जो पारंपरिक पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करती है। भारत मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर के रूप में एक विश्वसनीय विकल्प की तलाश में है, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा। साथ ही क्वाड समूह के अन्य देश जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी खुद को मैन्युफैक्चर हब के रूप में पेश कर रहे हैं और लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों जैसे जटिल रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ही जोर दे रहे हैं। भारत भी क्वाड समूह का हिस्सा है, ऐसे में भारत की भी कोशिश है कि पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही हो। भारत के रक्षा मंत्रालय लार्सन एंड टूब्रो और MDL की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। जर्मनी की कंपनी थिशन ग्रुप ने इस बोली की पुष्टि की है, जबकि स्पेनिश कंपनी नवंतिया ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत के लिए पनडुब्बी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय सेना में पहले से मौजूद पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। हिंद महासागर में प्रभावी रूप से गश्त करने और चीनी हलचल पर नजर बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना को कम से कम 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की जरूरत है, लेकिन भारत के पास इस वक्त 16 पनडुब्बियां ही हैं। इन 16 में से 6 को छोड़कर बाकी पनडुब्बियां 30 साल से अधिक पुरानी हो चुकी हैं और अगले कुछ सालों में इनका डीकमीशन होने की संभावना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।